तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम फ्रेम बना के उसमें हम फोटो या टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले स्टेप में आपको करना क्या है कि यहाँ पे टूल बॉक्स जो दिख रहा है इसमें से पॉलीगन टूल पे क्लिक करना है, लेफ्ट बटन। फिर आपको क्या करना है कि इस पेज पे आप खुद से जैसा फ्रेम बनाना चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे लेफ्ट बटन क्लिक किया, अब और दबा के रखना नहीं है, लेफ्ट बटन एक बार क्लिक कर देना है, उसके बाद माउस को खींचिए। ठीक है, चलिए हम कुछ इस तरीके से फ्रेम एक बना लेते हैं। अब देखो इसको ना फ्रेम में कन्वर्ट करना है, अभी तो हम लाइन ऐसे ड्रॉ किए हैं, अब इसको फ्रेम में कन्वर्ट करना है। तो फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा एलिमेंट पे, उसके बाद यहाँ से फ्रेम ऑप्शन पे क्लिक करना है और चेंज फ्रेम पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बॉक्स बन जाएगा, यानी ये अब फ्रेम में कन्वर्ट हो गया। अब आप इसमें क्या कर सकते हो कि इसमें फोटो भी ऐड कर सकते हो या टेक्स्ट को भी ऐड कर सकते हो। चलिए सबसे पहले हम फोटो ऐड करेंगे, इसमें यहाँ पे जाएंगे फाइल पे और यहाँ से प्लेस ऑप्शन पे जाएंगे। एडोब फोटोशॉप में फ़ोटो लाने के लिए ना आपको फाइल पे ऑप्शन पे जाकर और प्लेस ऑप्शन पे आना पड़ेगा, और यहाँ से जो भी फाइल्स में यहाँ पे आपको, जैसे हम डेस्कटॉप पे जाते हैं, आपका जहाँ भी फ़ोटो हो वहाँ से फ़ोटो आप क्या करो कि ऐड कर लो, ऐसे करके ओपन किए। चल ये फ़ोटो नहीं आ रहा है, चलिए दूसरा फ़ोटो हम लेते हैं। फाइल पे चले जाते हैं, प्लेस पे आइए, उसके बाद यहाँ से कोई भी फ़ोटो को चूज़ कर लीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना फ़ोटो आ गया। अब ये फ़ोटो क्या है ना कि सही से एडजस्ट नहीं है, तो इसको हम कैसे करेंगे सही से? तो फिर आप एलिमेंट पे चले जाओ और फ्रेम पे चले जाओ, फ्रेम ऑप्शन पे चले जाओ, यहाँ से ना आपको स्केल कंटेंट टू फिट फ्रेम इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, सबसे लास्ट वाला पे, यहाँ से ओके कर देना है। तो इस तरीके से फ्रेम में फोटो पूरा आ जाएगा। अब चलिए हम देखते हैं इसमें कि टेक्स्ट कैसे ऐड करेंगे फ्रेम में। चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं और फिर आपको हम एक फ्रेम पे क्लिक किए यहाँ पे पॉलीगन टूल पे, और फिर एक फ्रेम हम ड्रॉ कर देते हैं। आप जैसे चाहो वैसे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब क्या करना है कि आपको इसको सेलेक्ट करना है, एलिमेंट पे चले जाना है, फ्रेम पे जाना है, चेंज फ्रेम कर देना है। अब यहाँ से टी यानी टेक्स्ट टूल पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, अब इसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो आपने सीखा कैसे हम शेप ड्रॉ करके उसको फ्रेम में कन्वर्ट करके उसमें टेक्स्ट कैसे ऐड करेंगे और फोटो को कैसे ऐड करेंगे।